स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस नए चैनल एनसीईआरटी गाइड में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर्स। पिछले वाले जो वीडियो आई थी वो मैंने अपलोड की थी इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर पे। उसमें हमने सारे छः केसेस डिस्कस किए थे और वे डायग्राम हमने रे डायग्राम से उनको एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स में जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है कि दो ही जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं तभी जाके हमें इमेज मिल सकती है। मतलब देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स। दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, जैसे उसमें हमने छः केसेस देखे, यहाँ पर हमें दो ही केसेस स्टडी करने हैं। पहला जो केस है, इसमें पहला वाला जो केस है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, पहले वाले केस में जिसमें ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे खड़ा कर लेंगे, वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट ड्रा करेंगे कन्वेक्स मिरर पे और देखेंगे इमेज हमारी कहाँ पर बनती है। और दूसरा जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, जो इन्फिनिटी से लेकर पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर होता है उस पर बात करेंगे। आइए हम इन दोनों पोजिशंस को, दोनों केसेस को हम डीपली स्टडी करते हैं विथ रे डायग्राम। पहला जो केस है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हम मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है और वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है और स्ट्राइक करती है कन्वेक्स पोर्शन ऑफ द मिरर, कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है। तो वहां पर क्या होता है कि जब भी हम कन्वेक्स, यहां पर आप रे डायग्राम पे ध्यान दीजिए, यहां से ऊपर वाली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड से दो रेज ऑफ लाइट आई हुई है और आफ्टर स्ट्राइकिंग द कन्वेक्स मिरर, ये देखो आप, वो डाइवर्ज होती जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। अगर हम उनको प्रोसीड फॉरवर्ड करेंगे मिरर के इस वाले फोकस वाले साइड पे देखेंगे, डॉटेड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, यहाँ पर वो देखा जाता है कि वो फोकस पे मीट करती है, बट दे डू नॉट मीट एक्चुअली, दे आर एज्यूम्ड टू डू सो। इसी तरीके से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड से देखेंगे तो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और वो स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम उनको प्रोसीड फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो किसी जगह मिल जाए और हमें इमेज मिल जाए, तो वो भी फोकस पे ही मिल जाती है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो हमारी इमेज बन जाती है फोकस पे। जब हमारे पहले केस पे ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, इमेज बन जाती है फोकस पे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें जो इमेज का साइज़ जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज हमें नज़र भी नहीं आएगी। दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी इमेज वर्चुअल होगी, मतलब रियल नहीं होगी, क्योंकि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट, दे डू नॉट मीट, हैंस दे आर कॉल्ड एज वर्चुअल, हैंस द इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल। एंड इरेक्ट, दैट इज इमेज इज फॉर्मड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ना अपर बनती है ना लोअर बनती है, मगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो अपर साइड पे बनती है। ये था पहला केस कन्वेक्स मिरर का। जो दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, अगर अब हमने उसको पोल के करीब लाया इन्फिनिटी से, यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि हम उस वाले केस में जैसे हमने कनकेव मिरर में सी पे लिया था, एफ पे लिया था, अगर हम यहाँ पर सी पे एफ पे लेने की कोशिश करेंगे तो वो डार्कर साइड जहाँ पर पॉलिश्ड मिरर है तो वहाँ से हमें कोई इमेज बनने की वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमें दो ही पॉइंट्स है, एक तो इन्फिनिटी पे है, एक तो इन्फिनिटी से लेकर दूसरी डिस्टेंस पोल तक है। अब हमने पोल के बीच किसी भी डिस्टेंस पे रख लिया बिटवीन इन्फिनिटी, तो देखा जाएगा यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रा करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो ऊपर की तरफ चली जाती है और दूसरी रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ फोकस से पे फोकस करके ड्रा करेंगे और वो सेंटर ऑफ फोकस से ही वापस होती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है दूसरी वाली। तो होता क्या है, अगर हम इन दोनों रेज को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होती हुई निकल ली गई और जो यहाँ से फोकस से निकल गई रिफ्लेक्ट हो, अगर हम इन दोनों रेज को देखेंगे तो वो डाइवर्जिंग है आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब वो कहीं मिलने की चांसेस नहीं है। और अगर हम इस इनको वर्चुअल साइड पे देखा जाएगा तो वहाँ पर वो देखा जाता है कि वो मीट करते हैं एक पॉइंट पर, वो मीटिंग पॉइंट है बिटवीन पोल एंड एफ,
मतलब पोल और एफ के दरमियान वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, पहली वाली प्रॉपर्टी जो है वो है जो इमेज बन जाएगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब उसका साइज़ इमेज से ऑब्जेक्ट से बहुत कम होगा। वर्चुअल, दूसरा मतलब रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी क्योंकि इमेज इज़ फॉर्मड बिहाइंड द मिरर। और तीसरा है इरेक्ट होगी ऑन द अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज बन जाएगी। जी हाँ, अगर आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो लास्ट में एक टेबल बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। दो केसेस ऐसे डिस्कस करने हैं, आप उन दोनों को केस को स्टडी करने के बाद इस टेबल को फोकस कीजिए। मैंने वही लिखा है जो मैंने अभी तक बोला, एट एफ बिटवीन एफ एंड पी, और साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। ये टेबल ड्रा करने के बाद एग्ज़ाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस एनसीईआरटी गाइड वाली चैनल से कनेक्टेड रहिए। और प्लीज़, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगा, समझ में अच्छी तरीके से आता है, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जी हाँ, अगर आपको आगे वाले वीडियोस देखने हैं तो बेल का आइकन दिया हुआ सब्सक्राइब बटन के साइड में वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको आइंदा आने वाले वीडियोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।